जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा और आज बोल में इन दो मुद्दों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा नंबर एक, मोदी सरकार का नागरिक संशोधन बिल, जिसके जरिए कहीं ना कहीं ये सरकार ये संदेश देना चाह रही है, या देना क्या चाह रही है, साफ तौर पर दे रही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और आसपास के हमारे पड़ोसी देश हैं, वहां के हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी तो आ सकते हैं इस देश में और इस देश की नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर मुसलमानों के लिए नो एंट्री। उसके मायने क्या हैं स्थानीय राजनीति में, मैं आपको बताऊंगा। मुद्दा नंबर दो, आखिर इस सरकार के अंतर्गत इस तरह से छात्रों में असंतोष क्यों है? क्या आप जानते हैं कि गुजरात के छात्र सड़कों पर हैं और किसी भी न्यूज चैनल का ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा है? मैं आपके सामने मुद्दा बताऊंगा और साथ ही हम जोड़ेंगे उसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चल रहे आंदोलन से। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा नागरिक संशोधन बिल से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकार, जो कैबिनेट ने जिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दी है, उसमें उन्होंने परिवर्तन किया क्या है, सीधा उस मुद्दे पर हम जाना चाहेंगे। इन्होंने दरअसल सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक नई चीज जोड़ दी है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेक्शन 21B, और यह सेक्शन 21B अवैध प्रवासी, इलीगल इमिग्रेंट को डिफाइन करता है, उसे परिभाषित करता है। इनके हिसाब से इलीगल माइग्रेंट कौन होता है, मैं आपको बताता हूं। प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर द 31st of December 2014 एंड हु हैज बीन एग्जेम्प्टेड by the central government by under clause of subsection 2 of section 3 of the passport entry into India act 1920 or from the application of the provisions of the foreigners act 1946 or any rule or order made thereunder shall not be treated as illegal migrant for the purpose of this act। स्पष्ट कर दिया है कि ये जो तमाम समुदाय हैं, यहां से आने वाले जो लोग हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यहां पर बहुत ही सहूलियत के साथ इन्होंने मुसलमानों को हटा दिया है। इनका क्या कहना है कि जो तमाम देश हमारे पड़ोसी हैं, ये सब मुस्लिम बाहुल देश हैं और मुसलमानों के लिए जाने के लिए या विकल्प के तौर पर और भी कई मुस्लिम देश हैं, मगर हिंदुओं के लिए, जैनियों के लिए, पारसियों के लिए, ईसाइयों के लिए सिर्फ इंडिया है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा इस संशोधन में दिक्कत क्या है। क्या आप जानते हैं कि आपका संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ or the equal protection of the laws within the territory of India, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. यानी कि धर्म के आधार पर भारत जो है वो किसी को भी पक्षपात नहीं करेगा धर्म के आधार पर। मगर यहां साफ तौर पर ये जो संशोधन लाया गया है, ये संविधान के खिलाफ दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या हश्र होगा? 9 दिसंबर को इस संसद में लाया जाने वाला है, लोकसभा में पारित कर दिया जाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से आर्टिकल 370 को खत्म करने और आरटीआई एक्ट में संशोधन करने को लेकर यह बिल पारित हो गए थे, उसी तरह से यह बिल भी पारित हो जाएगा। मगर अगर मैं सरल शब्दों में कहूं दोस्तों, तो इसके जरिए सरकार अपने कट्टर समर्थकों को, बीजेपी अपने कट्टर समर्थकों को क्या संदेश दे रही है? इस बिल की बारीकियों में उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें सिर्फ यह संदेश दे रही है कि कोई ऐसा बिल आया है जिसके जरिए मुसलमानों पर अंकुश लगाया जाए। वाह, मुसलमानों पर अंकुश लगाया जाए। और सबसे हास्यास्पद बात यह है दोस्तों कि हमारे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग ले दे के पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं। मसलन असम में मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा है
कि अगर पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष होता तो भारत को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष होता। दोस्तों, ये लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं, मुसलमानों को भी लेके इनकी कोई बहुत अच्छी राय नहीं है। सवाल वो नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान को आप ताने देते रहें, उन्हें आप फेल्ड टेरर स्टेट बताएं, मगर आपकी सुई जो है वो पाकिस्तान के आसपास आके ही अटक जाती है। बात सिर्फ हेमंत विश्व शर्मा तक सीमित नहीं है। ये देखिए, शाजिया इल्मी, ये भी बीजेपी नेता हैं, कहती हैं, ऑल दोज अक्यूजिंग गवर्नमेंट ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल शुड रीड हाउ पाकिस्तान हैज persecuting Christian and Sikh communities. Sonia Gandhi, do you still oppose this bill? Sonia Gandhi पर तंज कसते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में सिखों और ईसाइयों को टारगेट किया जाता रहा है, क्या आप ये चाहते हैं ऐसा हो? यही तो सवाल किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये बात स्पष्ट है, इन तमाम देशों के मुसलमान आपके पास आके नहीं बसेंगे, भारत में आके नहीं बसेंगे, वो सऊदी अरब जाएंगे या बाकी मुस्लिम देश जाएंगे। मगर ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं? गैर संविधान तो है ही, ये संविधान के खिलाफ है ही, मगर दुनिया में आप यह संदेश दे रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, भारत सर्वधर्म संभाव में विश्वास नहीं करता जो हमारे धर्म की रीढ़ माना जाता है। आप भारत की उन तमाम मान्यताओं को तहस नहस कर रहे हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है, अक्सर इस बिल के जरिए बांग्लादेश को टारगेट किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में कितने हिंदू बसते हैं? 1.7 करोड़ हिंदू। आप ये बिल लाकर, आप बांग्लादेश को टारगेट करके कहीं ना कहीं उन हिंदुओं की जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। भारत में बांग्लादेश के पूर्व राजदूत तारिक करीम का एक बहुत अहम बयान है। तारिक करीम कहते हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बांग्लादेश की सोच में भी परिवर्तन आएगा, वहां पर यह कहा जाने लगेगा कि हम धर्मनिरपेक्ष क्यों बने रहे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में जो इस वक्त वहां का लिबरल समाज है, वहां के जो सेक्युलर लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो एक बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं बांग्लादेश को सेक्युलर बनाए रखने के लिए, धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने के लिए। अगर यह बिल वजूद में आ जाता है, क्योंकि इसके जरिए जैसे मैंने कहा कोई मुसलमान इस देश में आके शरण नहीं लेने वाला है, इसके जरिए कहीं ना कहीं आप देश के अंदर एक बार फिर हिंदू मुसलमान का एक माहौल बनाना चाहते हैं। आपको साथ मिलेगा गोदी मीडिया का, उसके जरिए वो और नफरत फैलाएंगे। मगर मैंने आपसे क्या कहा कि बांग्लादेश में एक बहुत मुश्किल संघर्ष चल रहा है, वहां की जो कट्टर इस्लामी जमातें हैं वो भारत की तरफ उंगली करके कहेंगे कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष क्यों बने रहे। भारत देखो किस तरह से बांग्लादेश को गाली देता है। यानी कि जिन लोगों को आप बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं को, उन्हीं को फिर ये इस्लामी टारगेट करते रहेंगे। और इसकी ढेरों मिसालें हाल में सामने उभर कर आई हैं। मगर शेख हसीना जैसी नेता जो हैं, एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं। और हमें कम से कम बांग्लादेश पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है दोस्तों। वहां की GDP हमसे बेहतर है, वहां के सोशल इंडिकेटर्स हमसे बेहतर हैं, सामाजिक जो इंडिकेटर्स हैं, जच्चा बच्चा की सेहत, वहां पर औरतों को लेके जो काम चल रहा है वो भारत से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। मगर आप बांग्लादेश का हालात जो हैं उसे उग्र करेंगे, उसे बद से बदतर बनाएंगे। आप धीरे धीरे खुद को पाकिस्तान की तरफ ढकेलेंगे, जिसे आप एक फेल्ड टेरर स्टेट बताते हैं। कुछ लोग बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। सवाल वो नहीं है दोस्तों, और मुझे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने देश की सांविधानिक मान्यताओं से मतलब है। अब गौर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता हैं जिनका नाम है राम माधव, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। फॉर ऑल अदर्स अबाउट हुम द ब्लीडिंग हार्ट्स आर कंप्लेनिंग, इंडियन सिटीजनशिप लॉज आर देयर। नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप इज एन ऑप्शन फॉर अदर्स हु लीगली क्लेम इंडियन सिटीजनशिप। All other illegals will be infiltrators. No country in the world accepts illegal immigrants. अंत का जो इनका एक सेंटेंस है कि दुनिया में कोई भी देश अवैध प्रवासियों को स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर दुनिया में तमाम देश भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष नहीं है। सेक्युलर शब्द हमारे संविधान में शामिल है।
दुनिया में कोई भी देश जो है वो धर्म के आधार पर लोगों को इस तरह से नहीं रोकता है। कुछ रोकते होंगे मगर वो भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो भारत की तरह लोकतांत्रिक देश नहीं है। आपको यह सोचना पड़ेगा धीरे धीरे कि आप खुद को क्या बनाते जा रहे हैं अपनी निजी सियासत को लेके, क्योंकि दोस्तों इसमें दो राय नहीं है कि इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है कहीं ना कहीं स्थानीय सियासत है। 2024 के चुनावों से पहले एक बार फिर आप माहौल को उग्र करें, माहौल में अराजकता लाएं, फिर से हिंदू मुसलमान करें, बस और कोई मकसद नहीं है। और यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा राम माधव को। राम माधव क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। Those Indians who think making religion the basis of a nation's identity will make it powerful and prosperous need only to look as far as Pakistan. जिसका मतलब है कि अगर हम धर्म को आधार बनाएंगे अपने वजूद को लेकर और उन्हें ऐसा लगता है कि इससे देश तरक्की करेगा तो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान देखिए जिसे हम फेल्ड टेरर स्टेट बताते हैं। अब भी आंख खोलिए दोस्तों, क्योंकि बहुत देर हो जाने वाली है बाद में और फिर पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है, कुछ भी नहीं लगने वाला है। दुनिया में हम हंसी के पात्र बन जाएंगे क्योंकि बलात्कार को लेकर, मॉब लिंचिंग को लेकर भारत की बदनामी वैसे ही हो रही है। अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कि किस फितूर में, किस वहशत में आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं, मगर देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों बोल के लब आजाद है तेरे में आज का दूसरा मुद्दा है विद्यार्थियों में असंतोष, और चूंकि मामला गुजरात का है इसलिए तमाम न्यूज चैनल्स खामोश हैं। जी हां, हमारे न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर छात्रों में असंतोष, कोई इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, उत्तराखंड हो, JNU हो, हर जगह छात्रों में असंतोष है। और सबसे जबरदस्त खामोशी उन्होंने गुजरात में चल रहे आंदोलन को लेकर अख्तियार कर ली है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात को लेकर दिक्कत क्या है। दोस्तों आप तस्वीरों में इस वक्त देखिए छात्रों में किस तरह का संतोष है। अब मैं आपको वीडियो बताना चाहता हूं कि छात्र किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, मगर आप सवाल पूछेंगे दरअसल मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है दोस्तों कि गुजरात सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड GSSSB, इनका एग्जाम होता है। किस चीज का एग्जाम होता है? इनका एग्जाम होता है दोस्तों नॉन सेक्रेटेरिएट क्लर्क्स और ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए, इन लोगों के लिए एग्जाम होता है। और कुल पद जो होते हैं वो 3,910 होते हैं। इसमें करीब 6,00,000 छात्र जो हैं वो अपेयर होते हैं। 3,910 कुल पद जिसमें 6,00,000 छात्र जो अपेयर होते हैं। हो क्या गया है दोस्तों कि पेपर लीक हो गया है जिसके चलते ये छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही करीब 700 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, गुजरात पुलिस ने उन पर जबरदस्त लाठियां भी भांजी। स्वतंत्र विधायक जिग्नेश मेवानी जो हैं वो मैदान में हैं। कांग्रेस के नेता भी इस वक्त मैदान में हैं जो इन छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। आज मेरा प्रश्न ये, आखिर इस मुद्दे को हम क्यों नहीं उठा रहे हैं जबकि यह हो रहा है भारत के सो कॉल्ड मॉडल स्टेट गुजरात में। गुजरात को लेकर तमाम खबरों को इस तरह से दबा क्यों दिया जाता है दोस्तों? यह पहला देश होगा दोस्तों जहां पे छात्र अगर आंदोलन कर रहे हों तो हमारे मीडिया चैनल्स उनके खिलाफ हैं। JNU में छात्र इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि फीस बढ़ा दी गई है हॉस्टल की, न्यूज चैनल्स उसके खिलाफ हैं, इस सरकार के कुछ भक्त उसके खिलाफ हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे अपने बच्चे जो हैं उन्हें जाकर इन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों मैं बता रहा हूं किस तरह से गुजरात लोक रक्षक दल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये 4 दिसंबर 2018 की रिपोर्ट इस वक्त आपके स्क्रीन पर है आज तक की। खबर यह कहती है गुजरात पेपर लीक मामला, 8 गिरफ्तार, बीजेपी ने एक और सदस्य को पार्टी से निकाला। खबर यह कहती है गुजरात लोक रक्षक दल परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में बीजेपी के 2 नेताओं के नाम सामने आने के बाद मंगलवार को गुजरात बीजेपी ने अपने एक और सदस्य को पार्टी से बर्खास्त कर दिया, साथ ही 4 लोगों को भी बर्खास्त किया गया है। जिसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद शामिल हैं पेपर लीक होने में। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, गूगल में जाइए और पता कीजिए पिछले 2 या 3 सालों में न सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट्स,
सिपाहियों की परीक्षा बल्कि कई परीक्षाओं के पेपर गुजरात में धड़ल्ले से लीक होते हैं और कोई मीडिया वाला इसकी बात नहीं करता। इसी तरह से एक और खबर देखिए, यह जागरण की खबर है। गुजरात में लोक रक्षक पुलिस सिपाही की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। प्रश्न पत्र लीक होने के एक महीने बाद लोक रक्षक की परीक्षा रविवार को ली गई थी। इस दौरान एक परीक्षार्थी ने परीक्षा खंड से ही अपने मोबाइल में प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर उसे वायरल कर दिया। और इसी तरह से एक और आपके सामने अखबार है, अमर उजाला, इसमें भी सिपाही भर्ती पर पेपर लीक, परीक्षा रद्द। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पर जाइए, गूगल में जाइए, पेपर लीक गुजरात, आपको ढेरों मिसालें मिल जाएंगी। मेरी पूरी संवेदनाएं है दोस्तों गुजरात के उन छात्रों के साथ, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और फिर यह हश्र होता है। और कम से कम सिपाही भर्ती पर जो पेपर लीक हुआ है उसमें तो गुजरात में जो बीजेपी के नेता हैं उनका नाम सामने उभर कर आया है। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। आप जेएनयू को लेकर हमदर्दी ना दिखाना चाहें ना दिखाएं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरह से शिक्षक इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं उसे लेकर आप हमदर्दी ना जतलाना चाहें ना दिखाएं, उत्तराखंड को लेकर आप आंखें बंद कर लें, मगर गुजरात बताइए, गुजरात को लेकर भी खामोश रहिएगा? इस सवाल का जवाब आपको खुद को देना है। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.